हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। हम हमेशा कहते हैं कि हमें पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है। ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव हम क्यों करना चाहते हैं और पावर फैक्टर इम्प्रूव कैसे किया जाता है, देखते हैं। तीन टाइप के लोड होते हैं, एक होता है रेजिस्टिव लोड, एक होता है इंडक्टिव लोड और एक होता है कैपेसिटिव लोड। रेजिस्टिव लोड मतलब वोल्टेज और करंट सेम फेज में, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं। अगर दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं, मतलब फाई इक्वल टू जीरो, क्यू दैट इज रिएक्टिव पावर, वी आई साइन फाई इज जीरो, सो रिएक्टिव पावर इज जीरो। जीरो रिएक्टिव पावर मतलब ना तो ये रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है ना ही कंज्यूम करता है। अगर हम बात करें इंडक्टिव लोड की, इंडक्टिव लोड मतलब वोल्टेज और करंट में कुछ फेज डिफरेंस, करंट वोल्टेज को लैग करता है, तो क्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्यू इज इक्वल टू वी आई साइन फाई। तो इंडक्टिव लोड जो होता है वो रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है, इट कंज्यूम्स रिएक्टिव पावर बाय कन्वेंशन। कैपेसिटिव लोड, अगर इंडक्टिव लोड रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है तो कैपेसिटिव लोड जिसमें कि वोल्टेज और करंट में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा, करंट लीड करेगा वोल्टेज को, तो अगर इंडक्टिव लोड रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है तो ये रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि एक हमारा लोड है, प्रैक्टिकली जो लोड होता है वो क्या होता है, इंडक्टिव होता है। आपके घर का भी जो लोड है वो देखिए क्या है, इंडक्टिव है। जैसे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ये भी क्या है, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इंडक्टेंस, ठीक है। तो ज़्यादातर जो लोड होते हैं वो इंडक्टिव होते हैं, तो इंडक्टिव लोड अगर होगा तो ये रिएक्टिव पावर को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब ये रेजिस्टेंस भी शो होगा। रेजिस्टेंस को चाहिए रियल पावर, इंडक्टेंस को चाहिए रिएक्टिव पावर, मतलब इसको दोनों चीज़ की डिमांड होती है, रियल पावर की भी और रिएक्टिव पावर की भी। अब ये डिमांड फुलफिल कौन करेगा, ये फुलफिल करता है जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और भेज देता है लोड की तरफ। चलो पी की तो बात हो गई, साथ ही साथ अगर हम सिंक्रोनस जनरेटर की बात करें तो सिंक्रोनस जनरेटर जब ओवर एक्साइटेड होता है तो लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करता है, तो क्या करता है वो रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है। अब ये जो डिलीवरी हो रही है किसके थ्रू हो रही है, ये होती है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। ट्रांसमिशन लाइन में एक होता है सेंडिंग एंड वोल्टेज, एक होता है रिसीविंग एंड वोल्टेज। ट्रांसमिशन लाइन का जो रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर होता है QR इज इक्वल टू VS माइनस VR अपन X माइनस VR स्क्वायर अपन X इफ R इक्वल टू जीरो। अगर हम एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो अगर हम यहाँ पे देखें VR अपन X को कॉमन निकालें तो VS माइनस VR QR दैट इज रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VS माइनस VR। VS माइनस VR मतलब सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज, दैट मीन्स ये है वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन। अगर हमारा इंडक्टिव लोड इंक्रीज होता है, इंडक्टिव लोड इंक्रीज होगा तो इसका रिएक्टिव पावर डिमांड भी बढ़ेगा। रिएक्टिव पावर डिमांड बढ़ेगा तो ये कौन डिलीवर करेगा, जनरेटर, किसके थ्रू, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। तो QR बढ़ेगा, अगर QR बढ़ेगा तो ड्रॉप इन द लाइन बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन, क्या सही है। मुझे 400 वोल्ट चाहिए, जनरेटर ने 400 वोल्ट भेजा बट मुझे 400 वोल्ट नहीं मिला, मुझे मिला 350 वोल्ट, जो कि सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन है वो क्या हो, रिड्यूस। इसकी वैल्यू रिड्यूस कब होगी, जब QR की वैल्यू रिड्यूस होगी। QR की वैल्यू रिड्यूस कब होगी, अब इंडक्टिव जो लोड है उसका रिएक्टिव पावर तो उसे चाहिए और वो जनरेटर से ही आएगा, तो इसकी वैल्यू रिड्यूस कैसे होगी। अगर हम ऐसा कुछ करें कि इसको जो रिएक्टिव पावर की डिमांड है, मतलब इसको जो रिएक्टिव पावर की डिमांड है वो हम फुलफिल कर दें, अगर हम यहां पे कैपेसिटेंस लगा देते हैं, इसकी जो रिएक्टिव पावर डिमांड है ये कैपेसिटेंस अगर इसको फुलफिल कर देता है तो ये ट्रांसमिशन लाइन से मंगवाना बंद कर देगा, दैट मीन्स QR की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। QR की वैल्यू रिड्यूस होगी तो वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन हो जाएगा। दैट मीन्स अगर इंडक्टिव लोड के पैरल में अगर हम कैपेसिटर बैंक या सिंक्रोनस कंडेंसर लगा दे, सिंक्रोनस कंडेंसर इज अ सिंक्रोनस मोटर विच इज ओवर एक्साइटेड, वर्क्स एट लीडिंग पावर फैक्टर, बिल्कुल कैपेसिटर की तरह काम करता है। अगर हम यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दें तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, इसकी रिएक्टिव पावर डिमांड को फुलफिल कर देगा और हमारा जो वोल्टेज प्रोफाइल है वो इम्प्रूव हो जाएगा। इससे इसीलिए हम कहते हैं कि हमें पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि ये जो इंडक्टिव लोड है और ये जो कैपेसिटेंस, ये मिलके दोनों पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर देते हैं। Thank you so much.